हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में टीवी का सीआरटी बोर्ड में जो थ्री वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर रहते हैं, जैसा रेड ग्रीन ब्लू, वो ट्रांजिस्टर जब खराब हो जाता है तो इसके बारे में समझना बहुत ही मुश्किल होता है कौन सा ट्रांजिस्टर खराब हुआ है और इसमें से कौन सा वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसको पता करने का एक बहुत आसान तरीका है जो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जिसको वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका सही पता नहीं होगा, उनके लिए इस सेक्शन का फॉल्ट रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तीनों वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करें बहुत ही इजी तरीके से और कौन सा ट्रांजिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रोसेस कैसे करना होगा। तो फ्रेंड, इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सीआरटी बोर्ड में जो वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर बेस एमिटर। तो यहाँ पर बेस हमें देखना होगा जहाँ पे इन होता है वीडियो सिग्नल ट्रांजिस्टर बेस में। वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस में सिग्नल इन होता है और आउटपुट होता है इसका कलेक्टर से। तो हमें इन ढूंढना होगा जो वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस है यहाँ पर है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्शन पॉइंट है यहाँ से वीडियो सिग्नल इन होता है और ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है जो तीनों कलर का वीडियो सिग्नल है। तो फिर जो चेक करने का तरीका है वो प्रोसेस हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा। तो इसको शुरू करने के लिए हमें थ्री कलर ट्रांजिस्टर के लिए थ्री वायर और एक ब्लैक वायर जो नेगेटिव सप्लाई के लिए, और इस वायर से ही इस प्रोसेस को करूँगा मैं टीवी का डिस्प्ले के सामने, इसीलिए क्योंकि ये प्रोसेस को देखने से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वायर को जहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा कर लेते हैं पहले। तो ये जो ब्लैक वायर है इसको हमें इसका ग्राउंड के साथ सोल्डरिंग करना होगा जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव सप्लाई जहाँ पे यहाँ पे, और उसके बाद तीनों कलर का वायर तीनों कलर का सिग्नल का इन पॉइंट के साथ सोल्डरिंग करना होगा एक एक करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये रेड वायर और यहाँ पे ग्रीन वायर, और यहाँ पे ब्लू वायर। ये जो तीनों कलर का वायर मैंने लगाया तीनों कलर का सिग्नल यहाँ से ही इन होता है। तो हम यहाँ से इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा ऐसे, और उसके बाद चलते हैं टीवी का डिस्प्ले के सामने। तो चलिए, तो हम आ गया टीवी का डिस्प्ले के सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री कलर का थ्री वायर और नेगेटिव सप्लाई के लिए ब्लैक वायर। तो अब टीवी बिल्कुल ओके है। तो हम यहाँ से चेक करके पता कर सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो एक एक करके टास्क करूँगा मैं। रेड वायर का जो रेड कलर है आप देख सकते हैं, यह रेड वायर और ब्लैक वायर है नेगेटिव सप्लाई। इसे इस तरह टास्क करने से आप देख सकते हैं वो कलर नहीं काम करेगा तो वो कलर मिस होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लू ब्लू यार, तो ब्लू कलर नहीं काम करेगा तो ऐसा पिक्चर आएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं तीनों कलर वायर का साथ ब्लैक वायर जो नेगेटिव सप्लाई को ऐसे शॉर्ट करना होगा, और शॉर्ट करने से ही अलग अलग पिक्चर क्वालिटी हमें देखने मिलेगा डिस्प्ले में। तो आप देख सकते हैं जैसा हो रहा है हर कलर के साथ शॉर्ट करने से हर अलग अलग पिक्चर क्वालिटी हमें देखने मिलेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो कौन सा कलर काम कर रहा है और नहीं कर रहा है कौन सा कलर। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।